I gave you my heart. अंजी भाई लोग तो कैसे हो आप सब लोग, बढ़िया सब भाई। आपको ये सब तो पता होगा कि हॉट ड्रॉप पे या फिर किसी भी लोकेशन पे जो सबसे पहले उतरता है या फिर जो सबसे फास्ट लैंड करता है, हॉट ड्रॉप उसी का ही होता है और किल्स भी सबसे ज़्यादा उसी की होते हैं, क्योंकि वो सबसे फास्ट लैंड करता है और गन भी सबसे पहले उसी को ही मिलती है क्योंकि वो सबसे पहले लैंड कर चुका होता है। भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हॉट ड्रॉप पे या फिर किसी भी लोकेशन पे सबसे पहले लैंड कैसे करते हैं या फिर फास्ट लैंडिंग कैसे करते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको तीन तरह के लोकेशन पे बताऊंगा कि आपको टोटल तीन तरह की लोकेशन को फेस करना पड़ता है। आपको तीन तरह के लोकेशन बताऊंगा कि तीन तरह के लोकेशन पे आपको कैसे फास्ट लैंडिंग करते हैं। भाई मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप ये ट्रिक जान लेते हैं तो आप सबसे पहले धरती पे लैंड होंगे, आप सबसे ज़्यादा फास्ट लैंड होंगे। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको कभी भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फास्ट लैंडिंग की वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए आप इसी वीडियो के साथ। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही पबजी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो चलते चलते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ पे सबसे पहली लोकेशन दे सकते हैं, ज़्यादातर हॉट ड्रॉप ऐसे ही आते हैं। तो भाई मान लीजिए आपका हॉट ड्रॉप जोरफुल कंटेनर है और आपको जोरफुल कंटेनर के ऊपर सबसे फास्ट लैंड करना है, सबसे पहले उतरना है। तो भाई इसके लिए आपको यहाँ पे अपने लोकेशन को मार्क कर लेना है। उसके बाद जब आप प्लेन के ऊपर बैठ जाएंगे, आपको अपने प्लेन की पोजीशन कुछ इस तरह से रखनी है, आपको बिल्कुल सेम पोजीशन इस तरह से रख लेनी है। उसके बाद आपको अपना मैप ओपन कर लेना है। तो भाई मैप ओपन करने के बाद आपको अपनी नजर सिर्फ लोकेशन के डिस्टेंस के ऊपर रखनी है। तो भाई यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब 800 से लेकर 600 मीटर में डिस्टेंस बचेगा तो आपको जंप कर देना है, और जंप करने के साथ आपको अपने जॉयस्टिक की पोजीशन कुछ इस तरह से रख लेनी है, बिल्कुल सेम जॉयस्टिक की पोजीशन आपको रखनी है। और साथ में ही आपको अपने करैक्टर को बिल्कुल डाउन कर देना है, और जब ये सब आप कर लेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो 234 की हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम स्पीड है। तो भाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लैंड होने लग जाएंगे। तो भाई उसके बाद आप जल्द ही फास्ट लैंड कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हमें लैंड हुए 15 सेकंड हो चुके हैं और हमने थोड़ी बहुत लूट भी कर ली है, और यहाँ पे आप पीछे दो बंदे देख सकते हैं अभी भी उतर रहे हैं। तो भाई इसका मतलब है कि यहाँ पे हम सबसे पहले उतरे हैं। तो भाई इसी तरह आप इस ट्रिक का यूज़ करके सबसे पहले सबसे फास्ट लैंड हो सकते हैं। भाई यहाँ पे आप दूसरी लोकेशन दे सकते हैं, ऐसी सिचुएशन भी ज़्यादातर आती रहती है, इसको भी फेस करना पड़ेगा। तो भाई मान लीजिए आपको जोधपुर कंटेनर के ऊपर जाना है, ये दिखने में तो काफ़ी दूर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। इस जगह पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको मार्क लगा लेना है, और जब आप प्लेन में बैठ जाएंगे तो आपको अपने प्लेन की पोजिशन कुछ इस तरह से रखनी है, बिल्कुल सेम आपको पोजिशन ऐसी ही रखनी है। उसके बाद आपको अपना मैप ओपन कर लेना है। मैप ओपन होने के बाद आपकी नज़र डिस्टेंस के ऊपर होनी चाहिए। भाई यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब ये डिस्टेंस बिल्कुल स्लो हो जाएगा तब आपको जंप कर देना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस बिल्कुल स्लो हो चुका है, और यहाँ पे मैं जंप भी कर चुका हूँ, और जंप के साथ आपको अपने जॉयस्टिक की पोजीशन कुछ इस तरह से रखनी है, बिल्कुल सेम ही आपको पोजीशन रखनी है, और साथ में आपको अपना करैक्टर थोड़ा सा डाउन कर देना है, ज़्यादा नहीं। जब आप अपना करैक्टर डाउन करेंगे तो आपकी स्पीड कुछ इस तरह से होगी, और 7-8 सेकेंड के बाद आपको अपना करैक्टर पूरी तरह से डाउन कर देना है, और जब आप अपना करैक्टर पूरी तरह से डाउन कर देंगे तो आपकी स्पीड 234 की हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम स्पीड है। उसके बाद आपका पैराशूट ओपन हो जाएगा और आप सबसे पहले लैंड हो जाएंगे, सबसे फास्ट लैंड हो जाएंगे। तो गाइस इसी तरह आप इस ट्रिक को यूज करके ऐसी सिचुएशन में भी फास्ट लैंड हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आप तीसरी लोकेशन देख सकते हैं, ऐसी लोकेशन भी ज्यादातर आती है, ऐसे हॉट ड्रॉप ज्यादातर बन जाते हैं जो कि प्लेन के स्टार्टिंग पे ही होते हैं। तो भाई ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे सबसे पहले लैंड होना है मैं आपको बताता हूँ। तो भाई आपका अपना
अपना मार्क लगा लेना है, जिस जगह पे आपको लैंड होना है आपको वहां पे मार्क लगा लेना है। मार्क लगाने के बाद जब आप प्लेन में बैठ जाएंगे तो आपको अपने प्लेन की पोजीशन कुछ इस तरह से रख लेनी है, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही पोजीशन रख लेनी है। उसके बाद आपको मैप ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट वेट करनी है जंप का बटन आने की। जैसे ही जंप का बटन आता है आपको उसी टाइम ही जंप कर देना है, और जंप के साथ आपको अपने जॉयस्टिक की पोजीशन कुछ इस तरह से रख लेनी है, बिल्कुल सेम आपको पोजीशन रखनी है, और साथ में ही आपको अपने करेक्टर को पूरी तरह से डाउन कर देना है। तो भाई ये सब करने के बाद आपकी जो स्पीड है वो 234 की हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम है। तो भाई उसके बाद आपकी पैराशूट ओपन हो जाएगी और उसके बाद आप धरती पर लैंड हो जाएंगे। भाई आप सबसे पहले ही लैंड होंगे, आप सबसे फास्ट लैंड होंगे भाई अगर आप इस ट्रिक का यूज करते हैं। तो भाई इसी तरह आप इस ट्रिक का यूज करके ऐसी सिचुएशन में भी सबसे पहले उतर सकते हैं, सबसे फास्ट लैंड हो सकते हैं। इसी तरह आप इन तीनों ट्रिक का यूज करके ऐसी सिचुएशन में सबसे फास्ट लैंड हो सकते हैं, सबसे पहले लैंड हो सकते हैं। तो भाई ये तीनों ट्रिक आपको कैसी लगी भाई प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।